इच्छाधारी नागिन को मिली श्राप से मुक्ति। एक गांव में शिवांगी अपने पिता कमलेश और अपनी माँ शालिनी के साथ रहा करती थी। शिवांगी सामान्य परिवार से थी और वो अपना जीवन आराम से बिता रही थी। शिवांगी 19 साल की लड़की थी जिसकी नीली आंखें सभी को बहुत ज्यादा लुभाती थी और उसकी सुंदरता के आगे सारी लड़कियाँ फीकी थी। इस वजह से सभी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है, शिवांगी अपने घर पर काम कर रही होती है तभी वहाँ पर उसका पिता कमलेश आ जाता है और अपनी बेटी को काम करता हुआ देखकर उसे कहता है, अरे बेटी तुम काम क्यों कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे पिताजी, माँ काम से बाहर गई है, इसी वजह से मैं घर का काम कर रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम कम ही काम किया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी राजकुमारी काम करे। अरे पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कभी भी काम ही नहीं करूंगी। यदि मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी तो ससुराल में आपको ही तो ताने सुनने पड़ेंगे कि आपकी बेटी कुछ काम नहीं करती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कौन ताने मारेगा? कोई भी मेरी बेटी को ताने नहीं मारेगा, सब उसे महारानी बना कर रखेंगे और मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। और ये कहकर कमलेश मुस्कुरा जाता है। अपने पिता की बात सुनकर शिवांगी भी शर्मा जाती है और अपने पिता के गले से लग जाती है। कमलेश अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसे राजकुमारी की तरह रखता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कुछ भी काम करे, इस वजह से कमलेश उसको ज्यादा काम नहीं करने देता था। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, शिवांगी बाजार गई तभी वहाँ पर उसे एक रुद्र नाम का लड़का मिला। रुद्र शिवांगी को देखकर उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगा और जब शिवांगी बाजार से लौट रही होती है तो रुद्र शिवांगी से कहता है, अरे जरा सुनिए तो। जी बताइए, आपने मुझे आवाज़ दी? हाँ मैंने ही आपको आवाज़ दी थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, आपको क्या बात करनी है? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूँ, पर जो बात है मैं आपसे वही कहता हूँ। आप मुझे पसंद आई हो और आप देखने में बहुत ही सुंदर लगती हो। ये सुनकर शिवांगी थोड़ा शर्मा जाती है और उसे थोड़ी हैरानी भी होती है और वो रुद्र से कहती है, धन्यवाद तारीफ करने के लिए, पर आप हैं कौन? मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा है, लगता है आप यहाँ पर नए आए हैं। हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम शिवांगी है और मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, यदि देर हो गई तो माँ से डांट पड़ेगी। और ये कहकर शिवांगी वहाँ से चली जाती है। वहीं रुद्र ने बातों ही बातों में शिवांगी को अपने दिल की बात बता तो दी थी, पर शिवांगी ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। घर पर आने के बाद शिवांगी अपने कमरे में चली जाती है तभी वहाँ पर उसकी माँ शालिनी वहाँ आ जाती है और शिवांगी से कहती है, अरे बेटी आ गई तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी माँ मैं आ गई और मैं आपके लिए दवाई भी ले आई जो आपने मंगाई थी। अच्छा वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई, क्या आज बाजार में भीड़ थी? अरे नहीं माँ, वो आज मुझे बाजार में एक लड़का मिला, वो इस गांव में नया आया था तो उसी से थोड़ी बात करने लगी। अच्छा क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा, आपको तो पता ही है कि सभी आपकी बेटी की तारीफ ही करते हैं क्योंकि आपकी बेटी सुंदर जो है। हाँ ये तो है, तूने एकदम ठीक कहा, मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है, मुझे तो कहीं लड़का ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी लड़की के लिए तो हजारों लड़के मेरे घर के सामने लाइन लगाए रहते हैं। माँ भी ना कुछ भी कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ पर आप लोग कहेंगे। मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है और वो मेरी बात हमेशा मानती है और मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो। अच्छा चलो हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बाजार जाए काफी वक्त हो गया था, तुम्हें भूख लग रही होगी? नहीं माँ मुझे भूख नहीं लगी है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और फिर शालिनी वहाँ से चली जाती है और शिवांगी अपने कमरे में आराम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक रात की बात है, शिवांगी आराम से सो रही होती है तभी अचानक उसके कमरे में एक सांप आ जाता है और वो एक इंसान का रूप ले लेता है। इंसान के रूप में आने के बाद वो शिवांगी के पास आकर उसे जगाता है, जिसे शिवांगी देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इच्छाधारी नाग से कहती है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए?
मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि तुम एक इच्छाधारी नागिन थी, पर इस जन्म में तुम साधारण लड़की हो और मुझे तुम्हें इच्छाधारी नागिन बनाना है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं और इच्छाधारी नागिन? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। आखिर तुम कौन हो? मैं बता तो रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ और मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने आया हूँ। यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। यदि तुम नहीं गए तो मैं अपने माता पिता को बुला लूँगी। और ये कहकर शिवांगी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि ये एक सपना था और वो अपने आप से कहती है, अरे ये कैसे मैंने सपना देखा? मुझे तो ये लग रहा था जैसे मैं सच में इच्छाधारी नाग को देख रही हूँ। मुझे ये बात अपनी माँ को बतानी होगी। आखिर मुझे ये सपना क्यों आया? और ये सोचकर वो फिर से सो जाती है। अगले दिन शिवांगी उठती है और अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताती है। शिवांगी की बात सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, तुम परेशान मत हो, वो सिर्फ सपना ही था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के समय में भला इच्छाधारी नाग नागिन कहाँ रखे हुए हैं? लगता है तुम ज्यादा टीवी सीरियल देखती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब भरा हुआ है और इसलिए तुमने ऐसा सपना देखा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। शायद ऐसा ही हुआ है, इसी वजह से मुझे ये सपना आया। तभी उन लोगों के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है और शालिनी दरवाजा खोलने जाती है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। लड़के को देखकर शालिनी उससे कहती है, तुम कौन हो बेटा? आंटी, मेरा नाम रुद्र है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। रुद्र को देखकर शिवांगी अपनी माँ से कहती है, माँ ये वही लड़का था जो मुझे बाजार में मिला था। अच्छा बेटा, तो तुम ही थे। बताओ क्या बात करनी है? मुझे आप लोगों से नहीं बल्कि शिवांगी से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम मेरे सामने ही बात करो। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कल रात जो शिवांगी ने सपना देखा था वो सपना नहीं था बल्कि मैं ही उसके सपने में आया था। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती है और शिवांगी रुद्र से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? पर वो तो एक इच्छाधारी नाग था। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर रुद्र अपने असली रूप में आ जाता है। उसे इच्छाधारी नाग में देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और शिवांगी रुद्र से कहती है, तो इसका मतलब तुम जो कुछ भी मुझसे सपने में कह रही थी वो सच था? हाँ, वो बिल्कुल सच था। तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी, पर एक साधु के श्राप की वजह से तुम इस जन्म में लड़की बनी हुई हो। यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम फिर से एक इच्छाधारी नागिन बन जाओगी। इस पर शालिनी रुद्र से कहती है, पर मैं अपनी बेटी को इच्छाधारी नागिन नहीं बनने दूंगी। यदि वो इच्छाधारी नागिन बन गई, तो फिर मैं अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। ये आपकी सोच है। वैसे भी यदि शिवांगी इच्छाधारी नागिन नहीं बनी तो ये मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें, जिससे मुझे मेरी प्रेमिका वापस मिल जाएगी। तभी वहाँ पर कमलेश आ जाता है और उन सब बातों को सुन लेता है और वो रुद्र से कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं तो सोचता था मेरी बेटी महारानी बनकर रहेगी, पर लगता है वो तो कुछ और ही थी। इसी वजह से वो सबसे अलग थी। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हो? ये एक इच्छाधारी नाग है। मुझे पता है ये एक इच्छाधारी नाग है, पर ये अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है और हमें इसे इसकी प्रेमिका से मिलवाना चाहिए। इस पर शालिनी अपने पति के हाँ में हाँ मिला देती है और फिर वो लोग रुद्र और शिवांगी की शादी कर देते हैं। शादी के बाद शिवांगी इच्छाधारी नागिन बन जाती है और अब शिवांगी के माता पिता बहुत ही खुश थे। नागिन की जादुई लिपस्टिक का जादू। बहुत समय पहले की बात है, चंदापुर नाम के एक गांव में सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। सुदामा अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम पायल था। सुदामा अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सुदामा की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी विधि का विधान कौन रोक पाया है। अंत में सुदामा की पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु से सुदामा को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अपनी पत्नी को भूल ही नहीं पा रहा था और उसकी बेटी पायल भी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी।
लो पायल बेटी, दूध पी लो, तुम्हें बड़ा होना है ना। नहीं, मुझे आपके हाथों से दूध नहीं पीना, मुझे माँ के हाथों से दूध पीना है। माँ कहाँ है, माँ को बुलाओ। पायल बहुत जिद करती थी कि उसे माँ चाहिए। सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिश्तेदारों से बातचीत करने पर उसे ये विचार आया कि वो क्यों ना दूसरी शादी कर ले। यही सोचकर सुदामा ने निर्मला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। देखो निर्मला, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मेरी बच्ची के लिए की है। मुझे यकीन है तुम मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ कभी सौतेला व्यवहार मत करना। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, पायल आश्रय मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कोई दुख नहीं दूंगी। पायल कहोगी ना मुझे माँ? हाँ माँ, आज से मैं आपके हाथ से ही दूध पीऊंगी। निर्मला पायल का बहुत ख्याल रखती है। वो पायल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, उसे दूध पिलाती थी, खाना खिलाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी और रात को उसे लोरी गाकर सुलाती थी। अब पायल अपनी माँ को भूल चुकी थी, निर्मला में ही उसे अपनी माँ नजर आती थी। इसी तरह काफी साल बीत गए और पायल बड़ी हो गई। पायल को बड़े होने पर निर्मला को एक खुद की बेटी हुई जिसका नाम उसने सोनी रखा। पायल सोनी के आने से बहुत खुश थी। माँ मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है, मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने सारे पसंदीदा खिलौने और कपड़े सोनी को देना चाहती हूँ, क्या मैं दे दूँ? क्यों नहीं बेटा, इसमें पूछने जैसा क्या है, ये तुम्हारी ही बहन है। पायल सोनी को बहुत प्यार करती थी, वो हर टाइम सोनी के साथ ही रहती थी। एक दिन की बात है, सोनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। निर्मला पायल को बुलाती है। पायल तुम्हारे पापा कहाँ है, जरा उन्हें बुलाना तो। क्या हुआ माँ? कुछ दिनों से सोनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था आज डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ है वो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ पापा तो ऑफिस के काम से शहर चले गए। हाँ लेकिन वो मुझे कुछ पैसे देकर गए हैं। चलो मैं आपके साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। निर्मला पायल के साथ डॉक्टर के पास तो चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने बचपन से पायल को कितना प्यार किया है, मैंने उसकी हर छोटी बड़ी जिद को पूरी की है। पायल की तबीयत खराब होती थी तो सुदामा पूरे घर को सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज जब सोनी की तबीयत खराब है तो वो इसे छोड़कर शहर चले गए, और वो भी मुझे बिना बताए। पता नहीं ये मुझे कब अपनाएंगे। ऐसा सोचकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करके सोनी और पायल को लेकर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसकी बड़ी बहन खड़ी है। अरे दीदी तुम? हाँ आज मन किया तुझसे मिलने का तो चली आई। यहाँ आई तो देखा घर में ताला बंद है। हाँ वो सोनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। चलिए ना अंदर चलकर बात करते हैं। निर्मला अपनी बहन को घर के अंदर ले जाती है। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। बातों ही बातों में निर्मला की बहन निर्मला से कहती है, निर्मला इतने बड़े घर में तेरी तो ठाट है, घर की मालकिन बनकर रहती होगी तू तो। निर्मला की बहन इतना कहती ही है कि तभी पायल कमरे से आवाज लगाती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। पायल की ये बात सुनकर निर्मला की बहन कहती है, अरे बाप रे ये तो महारानी की तरह तुझे ऑर्डर दे रही है, जैसे कि तू कोई नौकरानी हो। मैं समझ गई कि घर की मालकिन तू नहीं वो पायल है, तो बस यहाँ के नौकरानी है जो पायल की सेवा करने आई है। अपनी बहन की बातें सुन निर्मला की आंखों से आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। निर्मला ये सब तेरी वजह से ही हुआ है, इतने दिनों में तूने इस लड़की को सबक नहीं सिखाया और ना ही अपने पति को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
निर्मला की बहन निर्मला को पूरी तरह भड़का देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पायल वहाँ आती है और कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ बना दो ना। भूख लगी है तो मुझसे क्या कह रही है, रसोई घर में जाकर खुद बना ले। मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। ये अब कैसी बातें कर रही हो माँ, आपने आज तक मुझे किचन में घुसने तक नहीं दिया, इसलिए मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता, आज रात का खाना तू ही बनाएगी, और आज रात का खाना ही नहीं कल से घर के सारे काम भी तू ही करेगी। समझ में आई मेरी बात? पायल को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ को क्या हो गया है। वह रसोई घर में खाना बनाने जाती है, उसे खाना बनाना नहीं आता था इसलिए सारा खाना जल जाता है। निर्मला जब ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिंदगी में पहली बार तुझे एक काम बोला और वो भी तुझसे नहीं हुआ, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर निर्मला चिमटा गर्म करके पायल को जला देती है। पायल को बहुत दर्द होता है, वो बहुत रोती है। आज तक उससे किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था, सब उससे बस प्यार ही करते थे, इसलिए पायल बहुत रोती है। अब तो ऐसा ही चल रहा था। निर्मला सुदामा के सामने पायल को बहुत प्यार करती थी और उसके जाते ही अपना असली रूप दिखा देती थी। अपनी सौतेली माँ से तंग आकर पायल घर से भाग जाती है और भागकर एक जंगल में चली जाती है। 2 दिन तक पायल जंगल में भटकती रहती है बिना कुछ खाए पिए। मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन यहाँ तो कुछ खाने के लिए दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा कहते कहते पायल बेहोश हो जाती है। तभी उस जंगल की एक दुष्ट नागिन आती है और पायल को डस लेती है। देखते ही देखते पायल के पूरे शरीर में उसका जहर फैल जाता है। जब ये बात जंगल की अच्छी नागिन को पता चलती है तो वो फौरन भागते हुए पायल के पास आती है और सारा जहर अपने अंदर ले लेती है और पायल की जान बचा लेती है। पायल को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो बेहोश पड़ी थी। वो अच्छी नागिन पायल को उठाकर अपने गुफा में ले जाती है। जब पायल की आंख खुलती है तो वो इधर उधर देखती है, फिर कहती है, ये मैं कहाँ आ गई और मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? तभी वहाँ पर अच्छी नागिन इंसानी रूप में आती है और कहती है, तुम्हें इस जंगल के दुष्ट नागिन ने डस लिया था, अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँचती तो तुम मर चुकी होती। क्या आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम इतने घने जंगल में क्यों आई, यहाँ हर वक्त तुम्हारी जान को खतरा है। पायल नागिन को सारी बात बताती है कि वो किस तरह अपनी सौतेली माँ से तंग आकर जंगल में भाग आई। उसकी सारी बातें जानने के बाद नागिन कहती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर नागिन एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है और कहती है, ये देखो ये एक जादुई लिपस्टिक है, तुम इससे जो भी कहोगी वो पूरा हो जाएगा। और एक बात याद रहे, जैसे ही तुम्हारे पिता वापस आएंगे तुम उन्हें सब कुछ बता देना। अब तुम ये जादुई लिपस्टिक लेकर वापस घर चली जाओ। पायल वैसा ही करती है, जादुई लिपस्टिक लेकर वापस घर चली जाती है। 2 दिन बाद पायल को घर में देखकर निर्मला आग बबूला हो जाती है। कहाँ थे डायनी इतने दिनों से, कहाँ मुँह काला करवा रही थी, तेरे अंदर शर्म हया है कि नहीं, जाकर घर का काम कर, और हाँ मेरी बेटी से दूर रहना वरना तो उसे भी बिगाड़ देगी। पायल को निर्मला की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो जादू लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में जाती है। जादू लिपस्टिक की मदद से घर का सारा काम तुरंत हो जाता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और पायल के पिता घर आते हैं। उनके घर आने पर पायल अपने पिता को सब कुछ बता देती है। सारी बातें जानकर सुदामा को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा निर्मला के पास चला जाता है और उसे सारी बातें पूछता है। तब रोने का नाटक करके निर्मला कहती है,
आप तो जानते हैं मैं पायल से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वही मुझे अपनी माँ नहीं मानती। और आज उसने आपसे ये सारी झूठी बातें बोली, वो पता नहीं मुझे कब अपनाएगी। सुदामा समझ जाता है कि निर्मला एक्टिंग कर रही है, इसलिए वो दिमाग से काम लेता है और कहता है, ठीक है तुम रोना बंद करो, मैं पायल को समझा दूंगा। और हाँ, मैं जरा वर्मा जी के यहाँ से होकर आ रहा हूँ, तब तक तुम पायल से कुछ मत कहना। ऐसा कहकर सुदामा घर के बाहर चला जाता है और खिड़की से देखने लगता है। निर्मला तुरंत पायल के पास जाती है और उसे जोरदार चांटा मार देती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को सारी बात बताने की? अब देख मैं तेरी जिंदगी बद से बदतर कर दूंगी। तभी वहाँ पर सुदामा आ जाता है और निर्मला को जोरदार चांटा मारता है। आ गई ना तेरी सच्चाई सामने, मुझे पहले से ही पता था कि तू ड्रामा कर रही है। अभी का अभी निकल जा मेरे घर से, मैं अपनी दोनों बेटियों को खुद पालूंगा। तुझे शर्म नहीं आई मेरी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहने में, चले जा यहाँ से। अपने पति की बातें सुनकर निर्मला रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पायल और सुदामा से माफी मांगती है। तभी पायल अपने माता पिता दोनों को नागिन की दी हुई जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है और कहती है, पिताजी माँ को माफ कर दीजिए, उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है और ये सब इस जादुई लिपस्टिक की वजह से हुआ है। मैंने इस लिपस्टिक से कहा था मेरी माँ को पहले जैसा कर दो, और देखिए माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। पायल की बात सुनकर सुदामा निर्मला को माफ कर देता है। उसके बाद से निर्मला सोनी और पायल को एक जैसा प्यार करती है। उस दिन के बाद से वो पूरा परिवार अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगता है।